हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रीमैन इंटीग्रल पार्ट 3। हमने जो है दो तीन दिन से जो है यही टॉपिक पकड़ा हुआ है, रीमैन इंटीग्रल। और इसमें से हम जो है दो तीन क्वेश्चंस देख चुके हैं और दो तीन जो है हमने थ्योरम्स भी देख लिया है। तो थ्योरम्स तो हो ही गए हैं दो तीन, और उसमें और कुछ जो थ्योरम है, मेनली जो थ्योरम है आपके जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, वो थ्योरम्स हम जो है आगे और भी करेंगे। अभी जो है आज का हम जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो रीमैन इंटीग्रल का जो चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो हर अल्टरनेटिव जो है आपके ईयरली जो है पूछा जाता है। तो आज हम जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये एग्ज़ाम्पल है हमारा रीमैन इंटीग्रल का। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रीमैन इंटीग्रल होता क्या है, तो रीमैन इंटीग्रल होता यह है कि कोई फंक्शन जो हमारा दिया रहेगा, उस इंटरवल पर जो है हमें उस फंक्शन की जो है इंटीग्रल वैल्यू हमें निकालनी होती है। शॉर्ट फॉर्म पे हम जो है बाय इंटीग्रेशन, है ना, समाकलन के थ्रू से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो है हम रीमैन इंटीग्रल, दैट मीन्स जो है हम क्या करेंगे कि रीमैन इंटीग्रल में हम जो है उस फंक्शन का, है ना, लिख लेती हूँ। तो इस रीमैन इंटीग्रल पर हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरवल दिया रहता है ए से बी, उसको हम जो है सब पार्ट निकालते हैं उसके, और भी हम पार्टीशन करते हैं ए से बी को, हम पार्टीशन करते हैं उसका सब पार्ट करते हैं, और उन सब पार्ट पर ही हम उसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके, है ना, उसका हम क्या करते हैं लोअर रीमैन इंटीग्रल सम्स ए बार फंक्शन का, और अपर रीमैन सम्स यानी कि ए टू बी बार, वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो जो दो वैल्यूज़ हैं, है ना, एक तो हमारा लोअर रीमैन इंटीग्रल और अपर रीमैन इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू के साथ, है ना, दोनों की वैल्यू जो है किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल, सिंपल जो इंटीग्रेशन है उस इंटरवल पर उसकी वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये फंक्शंस जो है इस इंटरवल पर इस कंडीशन को फॉलो कर, दैट मीन्स जो उसका लोअर रीमैन सम्स है और अपर रीमैन सम्स है उसके सिंपल इंटीग्रल के उस इंटरवल पर इक्वल हो जाए आपस में, है ना, तब ये जो फंक्शन होगा एक रीमैन इंटीग्रल होगा इस इंटरवल पे, ये होता है। ये हमने फर्स्ट ही देख लिया था जब हमने रीमैन इंटीग्रल स्टार्ट किया था। इसके बाद हम जो है दो तीन क्वेश्चंस भी देखे थे, आज हम जो है इसमें ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है आपका ए क्यूब बाई थ्री वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे दे दिया गया है, ये देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे जो एक्स है एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, देन सो दैट एफ बिलोंग्स टू आर जीरो ए एंड इंटीग्रेशन जीरो टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब बाई थ्री। यहाँ पे हिंदी बड़े वाले बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स, और वो है एक्स स्क्वायर, और हमारा जो एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल जीरो ए के बीच में है, साथ ही साथ जो हमारा ए है ना, वो जो है क्या है बोल रहा है, ग्रेटर देन जीरो है बोल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जीरो से ए यहाँ पे तो दे दिया गया है। अब ए की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, अगेन जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल होगा वो जीरो जीरो हो जाएगा ना, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। तो यहाँ पे जो यही बोल रहा है कि ए जो है वो वन टू थ्री आगे जीरो से बड़ा होना चाहिए, देन सो दैट, तो दिखाइए कि जो एफ जो है एक रीमैन, यहाँ पे आर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आर, और यहाँ पे जो है आपका इंटरवल जीरो ए इंटरवल पर जो है क्या है, ए फंक्शन जो है वो एक रीमैन इंटीग्रल है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था हमको क्या करना पड़ेगा, लोअर रीमैन सम और अपर रीमैन सम निकालना पड़ेगा। उसके पहले, है ना, आपका जो है लोअर रीमैन सम और अपर रीमैन सम को हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है सिंपल वाले के साथ, इसके साथ, है ना, तब ये कंडीशन क्या करेगा, एक जो है कंडीशन फुलफिल करेगा किसके लिए, रीमैन इंटीग्रल के लिए, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें जो है अगर लोअर रीमैन इंटीग्रल निकालना है तो हमें जो है क्या पता होना चाहिए, एल पी एफ पता होना चाहिए, उस फंक्शन का पार्टीशन पर लोअर वैल्यू पता होनी चाहिए।
अगर हमें जो है अपर रीमैन सम निकालना है तो हमें जो है क्या निकालना पड़ेगा, अपर वैल्यूज पता होनी चाहिए उस फंक्शन की, उस फंक्शन एफ की उस पार्टीशन पर, है ना, अपर वैल्यूज पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, और जब हमें LPF निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल MR निकालना पड़ेगा। UPF निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल MR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये स्मॉल MR क्या होता है, कैपिटल MR क्या होता है, ये मैंने पहले बताया था। जो हमारा सब इंटरवल रहेगा उस सब इंटरवल पर फंक्शन की लोअर वैल्यू हुई क्या होती है, MR होती है, कैपिटल MR क्या होती है यहाँ पे, अपर वैल्यूसन ये होता है, सबसे बड़ा में सबसे छोटा ये होता है। तो वैसे ही आपको GLP एंड ULP है वो आपको निकालना पड़ेगा, ये पहले ही मैंने क्लियर कर चुका है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो इसके सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस इंटरवल जो भी इंटरवल दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या हमारा इंटरवल है 0 1, उसका पार्टीशन लेना पड़ेगा। तो हमने पार्टीशन ले लिया है n इक्वल नंबर पर, तो n इक्वल नंबर पर पार्टीशन पहले यहाँ पे 0, यहाँ पे a ले लीजिए, a को हम n इक्वल टर्म्स में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, n का यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, तो जो ऊपर का जो n रहेगा उस पर हम नेचुरल नंबर जो है पुट डाउन करते जाएंगे। तो जहाँ ऊपर वाले n पर हमने पुट डाउन किया तो 1 रखते हैं, 0 रखेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, देन 1 रखे तो 1a/a हो गया, 2 रखे तो 2a/n हो गया, 3 अब टू, अब क्या करेंगे r रखते हैं तो यहाँ पे r a/n हो जाएगा, और r के पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा आपका r-1 a/n, अब टू ये चलते जाएगा। तो गया कहाँ से कहाँ तक, 0 to a ही गया है। यहाँ पे हम उस इंटरवल को ब्रेक डाउन कर दिए हैं उसके सब इंटरवल्स पार्ट में, है ना, सब पार्ट में। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इसका सब इंटरवल IR जिसको हम डिनोट करते हैं IR से वो लेते हैं। तो सब इंटरवल क्या होता है हमारा, जो आरवर्थ है ना, आरएथ जो हमारे सब पार्ट्स लिए है, सब पार्टीशन लिया हुआ है, उसको हम जो है क्या बोलते हैं, आरएथ सब इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है r-1 a/n और क्या है हमारा r a/n। अब यहाँ पे देखते हैं r = कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 to n, तो इसके लिए जो है कैसा फलन है यहाँ पे, वर्धमान है ना, तो ये हम देखेंगे। चलिए अब हमें निकालना क्या है, कैपिटल MR और स्मॉल MR, जैसे कि मैंने पहले बताया था कैपिटल MR और स्मॉल MR हमें देखना है। तो यहाँ पे जो है कैपिटल MR क्या होगा, तो कैपिटल MR के लिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एक डेफिनेशन है कैपिटल MR का, उस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है ना, उस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू उस फंक्शन की उस सब इंटरवल पर जो है ना, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आरथ टर्म लिया है r-1 a/n और क्या था हमारा r a/n, ये हमारा है सब इंटरवल। तो सब इंटरवल पर जो हमारी सुप्रीमम वैल्यू होगी वो कैपिटल MR होगी। तो सुप्रीमम वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे हमारी जो है r a/n, लेकिन उस फंक्शन के साथ में, और फंक्शन हमारा है x का स्क्वायर, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x r का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह में r a/n होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r² a² / n का स्क्वायर। इसी तरीके से हमें जो है स्मॉल MR लेंगे तो वो क्या होता है, उस फंक्शन की जो है उस इंटरवल IR इन सब इंटरवल जो है उस पर इनफिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी x IR ही होगा, लेकिन यहाँ पे r के जगह में क्या होगा, r-1 होगा। तो जैसे कि सब इंटरवल क्या था हमारा r-1 a/n r a/n था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r-1 का होल स्क्वायर इंटू a² / n का स्क्वायर, ये वैल्यूज हो गई है। यदि Δxr सब इंटरवल है IR की लेंथ होती है, तो ये लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो सब इंटरवल होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया r-1 a/n r a/n, तो ये जो है सब इंटरवल का लेंथ निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, दोनों जो होते हैं दोनों पार्ट्स में हम क्या करते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो सब इंटरवल पर मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट है ना, इनफिमम और सुप्रीमम वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो उसकी लेंथ निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा r a/n - r-1 a/n, तो ये वैल्यूज क्या आ गई है a/n, तो Δxr भी निकल गया है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने बताया था LPF एंड UPF निकालना है।
तो आप अगर इसको ग्राफ के रूप में देखेंगे तो मैं इसको बता देती हूँ। यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। अब हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे है वाई इज इक्वल्स टू है एक्स का स्क्वायर। तो ये एक यहाँ पे जो है पैराबोलिक फॉर्म पे होगा, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है ये एक्शन में ऐसा बनेगा। ग्राफिकल अगर देखेंगे तो ये कैसे बनेगा, आपका जो है इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला पार्ट से ही काम है हमको, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या दिया गया है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 है ना, और a दिया गया है तो 0, तो यहाँ पे हो गया a। यहाँ पे क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल जो है ओरिजिन से a डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे भी मिल गया, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेगा। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। हम कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे रहते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू क्या है ए, और यहाँ पे वाई, वाई इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो क्या आ गया कोऑर्डिनेट पॉइंट ए एंड ए स्क्वायर। अब देखते हैं इस पर जो है वैल्यूज, तो सब इंटरवल हमने लिया है आर, और एक लिया है हमने आर माइनस वन। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एक्स आर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस वन। तो यही चीज़ हमें ध्यान देनी थी, ये क्या होगा, कैपिटल एम आर होगा एक्स आर के साथ में, फंक्शन क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आर का स्क्वायर, और सब इंटरवल पे देखेंगे मिनिमम वैल्यू, लोअर वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर आर माइनस वन। तो इन चीज़ों का आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं यहाँ पे एलपीएफ की, तो एलपीएफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलपीएफ में जैसे कि इसके लिए फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 to n, एलपीएफ में लोअर वैल्यू है तो स्मॉल वैल्यू, स्मॉल एम आर होगा इंटू डेल एक्स आर। स्मॉल एम आर के लिए यहाँ पे वैल्यू आई है आर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, डेल एक्स आर की वैल्यू आई है ए अपॉन एन, यहाँ पे जो है एन और एन स्क्वायर हो गया एन क्यूब, तो ए क्यूब है ना यहाँ पे ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, जो है आपका कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल गया, कॉन्स्टेंट है। तो बचे हुए टर्म्स में आप क्या करेंगे, आर की वैल्यूज पुट कराएंगे। जब आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 1 होगा, अब 2 हमें कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है, तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ए क्यूब अपॉन एन क्यूब इनटू, यहाँ पे आप देखेंगे ये जितने भी है ना, ये क्या है, सभी नंबर्स का यहाँ पे सम दिख रहा है, तो हमें ये पता है कि स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है, सम ऑफ स्क्वायर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होते हैं, आपके पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस, एक मिनट है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन इंटू टू एन, सॉरी एन प्लस टू अपॉन सिक्स, ये फॉर्मूला होता है मेनली, आपको ये ऐसा याद नहीं करना है, आपका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स। अब हमें यहाँ पे देखना है एन जो है कहाँ तक जा रही है, तो एन तक के लिए है, यहाँ पे एन टर्म क्या है आपका, एन माइनस वन है, तो एन के जगह में हमें क्या रखना है, एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन, फिर हो जाएगा एन माइनस वन प्लस टू अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपॉन सिक्स। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा एन, और ये हो जाएगा टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, आगे पीछे कर सकते हैं आप, एन इंटू एन माइनस वन, तो ये एन यहाँ पर से एक एन से कैंसिल हुआ, तो ये सिक्स एन का स्क्वायर यहाँ पे हो गया एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन इंटू ए क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई है एल पी एफ की। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सिमिलरली यू पी एफ निकालते हैं, है ना। तो यू पी एफ निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर की वैल्यू आई थी सब इंटरवल पर, उस फंक्शन की वैल्यू थी यहाँ पे अपर वैल्यूज थी, वो क्या थी, आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, और डेल एक्स आर की वैल्यू है ए अपॉन एन। तो ये हो गया आपका ए क्यूब, है ना, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू एन का स्क्वायर।
जैसे कि अभी हमने देखा कि सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स है ना, स्क्वायर जो नंबर्स होंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। यहाँ पर से जो है ये n से एक n कैंसिल हो गया तो सिक्स एन स्क्वायर हो गया इंटू ए क्यूब है, यहाँ पे बच गया है n प्लस वन और ये है टू एन प्लस वन। अब हमें क्या निकालना है, लोअर रीमेन सम्स। तो लोअर रीमेन सम्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, जो इंटरवल है तो इंटरवल के हमारा ए वी लिखते हैं, तो ए वी की जगह में यहाँ पे क्या है जीरो ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़ीरो बार ए टू ए, और यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है लिमिट एन टेंस टू, ये लोअर वाले के लिए तो एल पी एफ हो जाएगा, लिमिट हमें क्या रखना है एन टेंस टू इन्फिनेटिव रखना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स एन स्क्वायर इंटू ए क्यूब। लिमिट रखते हैं यहाँ पे, तो हम लिमिट रखने के पहले है ना, चूँकि एन टेंस टू इन्फिनेटिव हमें लिमिट रखना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा एन जो है इस फॉर्म पे नहीं लाना है, एन को हमें किस फॉर्म पे लाना है वन बाई एन के फॉर्म पे। तो यहाँ पे जितने भी एन है ना, यहाँ पे कितने एन है टू एन है, मीन्स एन स्क्वायर वो हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पर से एक एन कॉमन निकला और यहाँ पर से एक एन कॉमन निकला, तो ये बच गया है एन स्क्वायर, नीचे वाले एन स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा वन माइनस वन बाई एन, यहाँ पे बचा है टू माइनस वन बाई एन इंटू ए का क्यूब। अब हम जो है लिमिट्स जो है पुट करते हैं, तो ये वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी दैट मीन्स ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो दैट मीन्स वन्स, और यहाँ पे टू माइनस ये वन बाई इन्फिनिटी ये इसका मतलब टू माइनस ज़ीरो, तो ये कितना हो गया टू, टू बाई सिक्स ए क्यूब ये आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू आई है ए क्यूब बाई थ्री। तो ये लोअर रीमेन सम के लिए वैल्यू आई है ए क्यूब बाई थ्री। वैसे ही हमें जो है अपर यहाँ पे रीमेन सम के लिए वैल्यू निकालनी है, तो अपर रीमेन सम में देखते हैं यहाँ पे ज़ीरो टू ए बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि यू पी एफ है अपर रीमेन सम में, यू पी एफ लेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव पर, तो एन टेंस टू इन्फिनेटिव पर जो है यू पी एफ देखते हैं इस पर एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स एन स्क्वायर इंटू ए का क्यूब है, यहाँ पर से दोनों से n कॉमन निकाल दिए, तो ये n n कॉमन निकला, यहाँ पर सिक्स एन स्क्वायर था उससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा है वन प्लस वन बाई एन, यहाँ पे बचा है टू प्लस वन बाई एन इंटू ए का क्यूब। सिमिलरली हमें यहाँ पे पुट डाउन करना है n टेंस टू इन्फिनेटिव लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई ज़ीरो, तो ये हो जाएगा सॉरी वन बाई इन्फिनेटिव इसका मतलब ज़ीरो, तो वन प्लस ज़ीरो कितना हो गया वन, टू प्लस ज़ीरो कितना हो गया टू, तो वन इंटू टू टू, टू बाई सिक्स इंटू ए क्यूब, तो ये क्या आ गया ए क्यूब बाई थ्री। तो जो आपका अपर रीमेन सम है वो भी आपका क्या क्या आ गया ए क्यूब बाई थ्री आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इसकी जो है सिंपल इंटीग्रल वैल्यूज लेकर के आते हैं, तो सिंपल इंटीग्रल वैल्यू इसका मतलब जीरो टू ए पर देखते हैं ना, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा जीरो टू ए का यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है यहाँ पे एक्स क्यूब बाई थ्री, और यहाँ पे है जीरो टू ए, लिमिट पुट अप कराएंगे तो ए क्यूब बाई थ्री माइनस ज़ीरो इसका मतलब ए क्यूब बाई थ्री। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू भी जो है सिंपल इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आ गई है, हमें वही चीज़ मिल रही है जैसा कि हम पिछले क्लासेस पे करते थे। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि लोअर रीमेन सम और अपर रीमेन सम दोनों की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है ए क्यूब बाई थ्री, तो ये जो है दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इन कौन सा इंटरवल क्लोज इंटरवल जीरो ए पर क्या है एक रीमेन सम इंटीग्रल है, रीमेन इंटीग्रल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ इज़ बिलोंगिंग टू आर क्लोज इंटरवल ए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी रीमेन इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है इतने सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जो है क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काम है आपका पार्टीशन करना, पार्टीशन करने के बाद कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर निकालना है, उसके बाद में आपको निकालना है एल पी एफ और यू पी एफ, इन सब की चारों की वैल्यू निकालने के बाद एक और काम रहता है आपका डेल एक्स आर की वैल्यू निकालने। ये फाइनल हो जाने के बाद आपको लोअर रीमेन
सम्स और आपको निकालना पड़ेगा अपर रीमैन सम, ये दोनों की वैल्यू चेकआउट करनी है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तब ये जो है क्या होगा, रीमैन फंक्शन होगा, और अगर ये वैल्यूज नहीं होती हैं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ रीमैन, तो ये रीमैन जो है नहीं होगा, रीमैन फंक्शन या है ना रीमैन इंटीग्रल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, जितने भी रीमैन के क्वेश्चन आएंगे सिंपली क्वेश्चन रहते हैं ये, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और हम जो है इसके बाद इसके जो है थ्योरम्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 4-5 ऐसे थ्योरम्स हैं जो अच्छे हैं, इसमें ये जो है क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो वो हम जो है नेक्स्ट पे देखेंगे। आप जो है स्टूडेंट इसी तरीके से अपना जो है असाइनमेंट कंप्लीट करिए है ना, डेली वर्क करिए इस पर, डेली जो है आप जो है 4-5 क्वेश्चन जो है बनाते रहिए, ताकि आपको ये प्रैक्टिस बनते रहे। ज़्यादा नहीं, आपको 10 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं तो 10 इसमें 5 जो है थ्योरम रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो इतना आपके लिए बहुत सफिशियंट है। ये यूनिट में जो है आपको कम से कम ये जो है आपके एग्ज़ाम का जो 5 नंबर है वो एकदम श्योर हो जाएगा। तो आप रीमैन से क्वेश्चन ना छोड़ें, बहुत ही अच्छा है ये, बस आपको थोड़ा समझना है। थैंक यू स्टूडेंट।